नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार 14 मार्च की शाम को कोलकाता में कालीघाट स्थित अपने घर में गिर गई। इससे वे गंभीर रूप से चोटिल हो गई। उन्हें SSKM अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके माथे पर 3 और नाक पर 1 सहित कुल 4 टाके लगे हैं। कुछ घंटों बाद रात करीब 9:30 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि ममता के चोटिल होने को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। SSKM अस्पताल के डायरेक्टर मणिमोए बंदोपाध्याय ने अपने मेडिकल बुलेटिन में कहा कि बंगाल CM को किसी ने पीछे से धक्का दिया था, जिसके कारण वह गिर गई। सवाल यह है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच CM ममता के बेडरूम में कौन घुसा था, जबकि उनके पास Z+ सुरक्षा है। रिटायर्ड IGP पंकज दत्ता ने कहा कि सुरक्षा चूक का मामला है, इसे स्वास्थ्य समस्या या हादसा नहीं कहा जा सकता। हादसे के तुरंत बाद ममता की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। इसमें उनके माथे से खून निकल रहा था, वे बदहवास हालत में थी। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उस नाजुक दौर में ममता की फोटो किसने खींची। किसी ने उन्हें फर्स्ट एड देने की भी कोशिश नहीं की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक TMC के राष्ट्रीय महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। परिवार के मुताबिक हादसे से पहले ममता अपनी भाभी कजरी बंदोपाध्याय के साथ एक्चलिया में एक कार्यक्रम से लौटी थी। दूसरी तरफ घटना को लेकर ममता के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने सबसे पहले कहा था कि CM अपने घर में चलते हुए फिसल गई थी। CM एक शो पीस पर गिरी, जिससे उनके माथे पर चोट लग गई। कोलकाता पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस शुक्रवार को CM के घर जाकर CCTV फुटेज चेक करेगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।